नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। इधर मुरादाबाद के जीजी हिंदू इंटर कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। विद्यालय स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने मॉडल बनाकर दिए जागरूकता के संदेश। एक दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर कुलदीप बरनवाल द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत आयोजित हुआ कार्यक्रम। इधर मुरादाबाद पहुंची उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बुद्ध विहार स्थित भाजपा के जिला कार्यालय पर पत्रकारों की बात। अनुसूचित जाति के छात्रों को हाई स्कूल के बाद पढ़ाई करने के लिए सरकार करेगी मदद। गुलाबो देवी ने कहा कि अनुसूचित जाति के बच्चों को पढ़ाई के लिए सरकार देगी छात्रवृत्ति, पढ़ाई में नहीं आएगी कोई समस्या। इधर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन ने संयुक्त रूप से बदायूं में आंगनवाड़ी सहायिका के साथ सामूहिक दुराचार व हत्या के विरोध में कलेक्टर पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। इधर दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के तत्वाधान में बार सभागार में किया गया शोक सभा का आयोजन। अधिवक्ता महेश चंद्र भारद्वाज की मृत्यु पर जताया शोक, दी श्रद्धांजलि। इधर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, मौजूद अधिकारी को दिए दिशा निर्देश। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एम सी गर्ग के साथ महिला अस्पताल की CMS नहीं मौजूद। इधर प्राधिकरण कार्यालय पर सोमवार को भी जारी रहा धरना प्रदर्शन, भारी संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन। इधर मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। स्कूल स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर किया प्रतिभाग, मॉडल बनाकर दिए संदेश। प्रतियोगिता में प्रथम आने पर विद्यार्थी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में करेंगे प्रतिभाग। इधर मुरादाबाद में 15 जनवरी को मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन। तैयारियों में जुटे बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता। सादगी के साथ मनाया जाएगा जन्मदिन। बहुजन समाज पार्टी के मंडल के मुख्य जॉन इंचार्ज डॉक्टर रण विजय सिंह एडवोकेट ने कहा, जन्मदिन समारोह सादगी के साथ मनाया जाएगा, जरूरतमंद लोगों को पहुंचाया जाएगा फायदा। इधर पाकवाड़ा के गांव गिन्नौर दे माफी में युवक की हत्या से परिवार में मचा कोहराम। जांच में जुटी पुलिस, ग्रामीणों ने लगाया अनदेखी का आरोप। इधर केंद्र और प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से मंडल आयुक्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर छापे गए स्लोगन। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उधर उधर न थूके जाने की स्लोगन के माध्यम से की गई अपील। इधर मुरादाबाद की जामा मस्जिद पार्क में मरम्मत का काम शुरू, स्थानीय निवासियों ने किया खुशी का इजहार। क्षेत्रीय पार्षद व सामाजिक संस्थाओं की कोशिश के बाद जामा मस्जिद पार्क में चल रहा है मरम्मत का काम। इधर मुरादाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से मासूम बहन भाई की दर्दनाक मौत। मदरसे से पढ़कर वापस आते रेल ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। 13 साल की फातिमा, 15 साल के इस्तहा की हुई मौत। थाना कटघर क्षेत्र के प्रेम मंडल एंड रेलवे ब्रिज के नीचे की घटना।